नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पे। संतान की मंगल कामना के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए सभी माएँ इस व्रत को करती हैं जो आता है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जूतिया व्रत रखी जाती है। जीवितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जिमत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला व्रत को पूर्व उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। व्रत के दिन पहले नहाए खाएं और दूसरा दिन व्रती का निराजल उपवास और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाएं के साथ ही व्रत की शुरुआत की जाती है, वो रहता है पहला दिन। बिहार और उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये व्रत को बहुत अच्छे से करती हैं। नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं, फिर रात होने पर पुतिया नाम की सब्जी खाई जाती है। ये बिल्कुल निनुआ के जैसी लगती है लेकिन छोटी छोटी सी होती है, उसे कहते हैं सतपुतिया की सब्जी खाई जाती है। जूतिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बिना लहसुन प्याज की ये सब्जी बनाई जाती है और उसे खाया जाता है। व्रत के दिन पहले ही छत या खुली जगह पे महिलाएं इकट्ठी होती हैं, उनकी साफ सफाई कर लेती हैं उस जगह की, कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह खाना जो होता है चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जूतिया व्रत के दूसरे दिन खुर जूतिया भी कहते हैं। जब तक समापन नहीं हो जाता है व्रत का तब तक महिलाएं पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं। जूतिया व्रत जो होता है छठ व्रत की तरह ही बहुत अधिक कठिन होता है। जैसे कि निराहार रह कर के ये व्रत बिना पानी के किया जाता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है। संतान की लंबी आयु के लिए, पुण्य प्रताप के लिए ज्योति पुत्रिका व्रत किया जाता है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। महाभारत काल में भी अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक की रक्षा की थी। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत रहेगी, 25 सितंबर दिन रहेगा बुधवार का। जीवित पुत्रिका यानी जीवितिया व्रत रहेगा। नहाए खाए 24 सितंबर को, मंजिला व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन सुबह से लेकर के अगले दिन तक रहेगा जब तक पारण ना हो जाए। पारण होगा आपका 26 सितंबर गुरुवार को सुबह, सूर्योदय के बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 23 सितंबर सोमवार की दोपहर 1:50 से और 24 सितंबर मंगलवार को दोपहर 12:44 पे ये सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी। की पूजा शाम को की जाती है तो शाम का मुहूर्त रहेगा 6:14 से 7:30 तक का शाम का मुहूर्त रहेगा। तो आप इस समय तक अपनी पूरी पूजा जो है वो समाप्त कर लें, यानी संपन्न कर लें। बहुत ही विधि विधान के साथ महिलाएं ये पूजा करती हैं। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी पे के जो चूल्हे होते हैं उस पे बना हुआ खाना खाती हैं महिलाएं। अभी संभव नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है उस दिन। अभी सब जगह लोग गैस चूल्हे पे ही खाना बना लेते हैं। आज के दिन जीवित वाहन भगवान की कथा पढ़ी और सुनी जाती है, उस दिन की कहानी होती है चील और सियारिन की। तो उस दिन की कहानी भी आप हमारे चैनल पे ज़रूर से सुनिएगा। पारंपरिक तरीके से घर पे पकवान बनाएं और सभी विधि विधान के साथ ये पूजा करें। यथासंभव आप ब्राह्मण को दान जरूर से दें। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि कथा पढ़ने और सुनने से सभी इच्छाएं पूरी
होती हैं, सभी के भगवान संतानों की रक्षा करें, जीवित भगवान आप सभी के बच्चों का कल्याण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, भोलेनाथ की भक्ति करते रहें। हर हर महादेव।